हाय एवरीवन, मैं रहता हूँ जर्मनी के बर्लिन शहर में और मैं आया था जी यहाँ पे 2019 में। तब से लेके अब तक ना मेरे को पता नहीं कितने लोग पूछ चुके हैं कि यार कैसे आए, कैसे स्टूडेंट वीज़ा लगवाना है, ये पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर ना एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा के ऊपर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ। तो भाऊ जी, आज का मुद्दा है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि यार ये पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। तो देखो जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको फीस देके जाना पड़ता है, 8 से 10 लाख हो गई आपकी इंडिया के INR हो गए, ठीक है। और दूसरी होगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं जर्मनी में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्या होगी, जैसे मान लो आप इंडिया में एडमिशन लेते हो किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट में, वहाँ से आपको नॉमिनल से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। वैसी ही यूनिवर्सिटीज़ होते हैं हमारे यहाँ पे जर्मनी में, जहाँ पे आपको थोड़ी सी 300 से 350 यूरो आपकी फ़ीस लगती है, जिसमें कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन टिकट इंक्लूड होती है, जिसमें कि आपको ट्रेन, ट्राम, बस पूरे शहर में आप कहीं पर भी घूम सकते हो। बाय द वे, मेरे पीछे है जर्मनी की पार्लियामेंट। तो जी, स्टूडेंट वीजा में और आपको क्या क्या मिलता है? स्टूडेंट वीजा में गवर्नमेंट ने हॉस्टल्स खोले होते हैं जिसमें आपको प्राइवेट रूम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, जो कि 300 से 400 यूरो आपका सिर्फ महीने का होता है, जिसमें आपको प्राइवेट अकोमोडेशन अपनी मिल सकती है। नहीं तो वही अगर आप बाहर ढूंढने के लिए जाएंगे वो आपको कम से कम पड़ेगी जैसे कि 600 यूरो, 700 यूरो, जिसमें कि आपकी किचन शेड होती है। तो ये सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट्स होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। तो अब बात आती है जी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर कि यार यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगवाया जाए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप खासियत सुनो क्या होती है यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा की खासियत 26 कंट्रीज़ में आपको घूमना फ्री होता है। 26 कंट्रीज़ कौन कौन सी, जैसे कि फेमस फ्रांस, नैदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, इटली, ठीक है भाऊ जी। ये होगी आपकी फेमस कंट्री जहाँ पे आपका एक कंट्रीज़ का सिर्फ आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इस सारी कंट्री में आपका टूरिस्ट वीज़ा फ्री होता है, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। तो भाऊ जी, अब तीसरी कैटेगरी आती है वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा की मैं सबसे बढ़िया आपको खासियत बताता हूँ। कोई ऐसी कंट्री आप सबसे पहले मेरे को बताओ कि जो आपको अपने देश में बुलाए 6 महीने के लिए और आपको कहे कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आके तुम अपनी जॉब सर्च करो, और अगर तुम्हारे को जॉब कोई मिल जाती है अपने फील्ड के अंदर विद टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप हमारे यहाँ पे रह सकते हो, हम आपको वर्क वीज़ा इशू कर देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आता है जी जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है? जॉब सीकर वीज़ा में, जैसे कि देखो जी, इसका नाम बता रहा है, जॉब सीकर वीज़ा में आप यहाँ पे आगे अपनी जॉब सर्च करो, अगर आपको जॉब मिल जाती है अपने फील्ड के अंदर तो आप यहीं पे रहने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ के इमिग्रेशन में जाओ, इमिग्रेशन आपको वर्क वीज़ा अप्लाई कर देती है जिसमें आप अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे रह सकते। देखो जी, डिटेल वीडियो तो नहीं मैं आपको इसको बोलूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिटेल मैंने आपको टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा की कितनी कैटेगरीज होती है और वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सारी दे दी। अगर आपको डिटेल में इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कर दो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया। नहीं तो आप इसी वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं कौन सी बनाऊँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में हम घूम सकते हैं या काम कर सकते हैं एक वीज़ा के ऊपर, तो मैं उसकी भी आपके लिए डिटेल में पूरी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे।